क्या वाकई पद पर आने के बाद रसूखदारों के हाथ इतने खुल जाते हैं कि किसी का गला दबाने पर भी नहीं कपकपाते? यदि नहीं तो फिर सत्ता में या पद में आते ही ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग इनके हाथ लग जाता है कि चिट भी इनकी होती है और पट भी इनका होता है? शय और मात केवल जुर्म सहने वालों की होती है। लगातार महापौर एजाज ढेबर के परिवार वालों पर आरोप लगते जा रहे हैं। पहले उनके भतीजे द्वारा मेट्स यूनिवर्सिटी में गुंडागर्दी करने का मामला सामने आया था, जिसमें हाफ मर्डर के केस को पुलिस ने गंभीरता से न लेते हुए थाने में सुलह मशवरा करके मामले को रफा दफा कर दिया था। अब उनके भाई अनवर ढेबर पर एक महिला ने शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। रायपुर के प्रथम नागरिक एजाज ढेबर के बड़े भाई बिल्डर अनवर ढेबर पर नेहा पुरोहित नामक महिला ने शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। नेहा पुरोहित जेल रोड स्थित होटल गिरिराज की डायरेक्टर हैं, जहां पर बीते दिनों नेहा के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। पीड़िता ने अनवर को इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड बताया है। नेहा का पारिवारिक विवाद होने के तुरंत बाद ही अनवर ढेबर अपने गुर्गों के साथ थाने पहुंच उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी देते हुए डराता था। इन सबसे तंग आकर नेहा पुरोहित ने डीजीपी डीएम अवस्थी से भी मदद की गुहार लगाई, लेकिन वहां पर भी इनको कुछ हाथ नहीं लगा। डीजीपी ने भी केवल इनको सांत्वना ही दिया। उसके बाद नेहा पुरोहित ने अपनी बच्ची के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर बाल आयोग महिला आयोग में भी गुहार लगाई, लेकिन वहां पर भी उनको कुछ हाथ नहीं लगा। जिसके बाद तंग आकर नेहा ने मीडिया का सहारा लिया। नेहा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि अनवर के साथ आए गुर्गे उसे घूर कर देखा करते थे, जिसके कारण उसे अत्यधिक शर्मिंदगी अपमान का सामना करना पड़ता था। नेहा ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि रायपुर पुलिस ऊंची राजनैतिक पहुंच और रसूख के द्वारा प्राप्त किए जाने पर कोई कार्यवाही नहीं करती, उल्टा शिकायतकर्ता के विरुद्ध ही झूठी रिपोर्ट दर्ज कर देती है। नेहा ने बताया कि पुलिस बिल्डर व होटेलियर ढेबर से इतना खौफ खाती है कि उसके परिवार वाले खुलेआम रोड में वर्दीधारी पुलिस को अपशब्द कहते हैं। वह पिछले ही वर्ष अनवर के परिजन द्वारा पुलिस से बदसलूकी कर अश्लील गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी, जिस पर पुलिस ने वीडियो वायरल होने के पश्चात अनवर ढेबर के भांजे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किया था। नेहा ने कहा कि वह अकेली महिला है और रसूखदार ढेबर का विरोध नहीं कर सकती, क्योंकि जिनसे पुलिस डरती है और उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करने में पुलिस के हाथ कपकपाते हैं, उनकी शिकायत मैं कहां और किससे करूं, यह बात समझ से परे है। क्योंकि सरकार में भी ढेबर परिवार का अच्छा कब्जा है, वह अधिकारियों से ऊंचे स्तर पर मिली भगत कर मेरे खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज कर दी जाती है, जिससे लगातार मैं मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस कर रही हूँ। नेहा ने कहा कि बिल्डर द्वारा कभी भी अपने गुर्गों से कहकर मेरे परिवार वालों के साथ मिलकर मेरी हत्या करवाई जा सकती है या फिर मेरी बेटी के साथ निर्भया कांड जैसी घटना को अंजाम दिलाया जा सकता है। कॉलेज गया 11:30-12 बजे के बीच में, वैसे उन लोग बैठे थे नीचे स्टेज के पास और ऊपर मैं गया हूँ फर्स्ट फ्लोर में। उसके बाद मैं जाते साथ 10-12 लोग आए हैं मेरे पास और उसके बाद बोले कि इधर आके बात कर, तो मैं बोला कि नहीं उधर जाके बात नहीं करूंगा। उसके बाद उन्होंने मेरे को माँ बहन की गाली दी और बोले कि तू मेरे को नहीं जानता, महापौर एजाज ढेबर का भतीजा हूँ सोएब ढेबर, और बोले कि हम लोग कहीं राज चलेगा यहाँ पे, हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग का बात नहीं मानोगे तो जो तुमको यहाँ जीने नहीं देंगे, कॉलेज से इन्वेस्टिगेट कर देंगे, ऐसा सब बहुत सारी बात की। उसके बाद हाथापाई करके मेरे को चाकू से सोएब ढेबर ने सर पे 3 या 4 जगह मार दी। मैंने रोड में मारपीट की थी जिसमें मुझे लहू लुहान भी थी। तुरंत मैं पुलिस स्टेशन गई थी, लेकिन पुलिस स्टेशन मुझे पहुंचने के पहले अंदर पहुंच गया था और उसने जैसे हमेशा वो करता है उसने कोई कार्रवाई नहीं करने दी। पुलिस ने मुझे बड़ी मुश्किल से, मैंने जब रिक्वेस्ट की तो मेरा मुलाइजा करवाया, लेकिन आज दिन तक उसने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं 7 दिन तक पुलिस का प्रायर अपॉइंटमेंट लेकर निर्भया का कार्ड हो रहा है, वैसे मेरी बच्ची के साथ नहीं होता तब तक पुलिस कुछ नहीं करेगी, क्योंकि पुलिस को तो
अपने आप को खुश करना है। हौसले दे सर आरोपियों के, उन्होंने मेरे सीसीटीवी के कैमरे के वायर काट दिए ताकि वो भी हमारा जो प्रोटेक्शन है वो भी हट जाए। और काटने के बाद मुझे डराते हुए कि तू इतनी बार गई ना कहाँ पे, तेरा FIR दर्ज हुआ क्या? हम ही लोगों का होता है तेरे को जहाँ जाना है तब चली जाओ, ऊपर से नीचे तक हमारी पहुँच है। खुलेआम धमकी होती है सर। जो लड़का जो मुझे छेड़ा था, अमित नाम का लड़का सर, वो 22 तारीख को वापस मेरे घर आया था और इस कुछ दिन पहले वापस मेरे आंगन में घूम रहा था। मैं क्या कर सकती हूँ कि पापा मेरा आज का दिन निकल जाए, आज कुछ ना हो मेरे साथ। मित्र है अनवर ढेबर, जो कि महापौर श्री के का भाई है। एक महापौर के भाई होने के बाद भी वो मुझे इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, मुझे मेरे भाई के एवज़ में वो अपने गुंडे भेजता है, मेरे साथ मारपीट करवाता है। और जब मैं उसकी शिकायत करने के लिए पुलिस स्टेशन जाती हूँ तो वो पहले से वहाँ पहुँच चुका होता है और पूरा पुलिस डिपार्टमेंट कार्रवाई करने का छोड़कर उसकी आवभगत में लग जाती है। वो गाड़ियाँ भर के अपने गुर्गे लेकर आता है और जिनका एक ही काम होता है मुझे घूरा जाए वहाँ पर, बस वो बैठ के मुझे घूरते रहते हैं। सर मेरे साथ मेरी बच्ची के साथ भी पॉस्कोइट जैसे सेंसिटिव मैटर में घटना हुई, जिसकी मैंने शिकायत करने के लिए पुलिस थाने में पहुंची। उसके पहले ही पुलिस को पता चलता गया था कि उनको क्या करना है, उनको निर्देश मिल चुके थे। उन्होंने ना मेरा एप्लीकेशन पढ़ा बल्कि मुझे बोले कि तू फिर से थाने आ गई, तुझे शर्म नहीं आती, अब तो तेरे साथ ऐसा करेंगे कि जीवन भर कोर्ट के चक्कर काटती रहेगी। और मुझे मेरी बच्ची और मेरी मम्मी को वहाँ से भगा दिया गया। मैंने विनती की कि घर पूरा CCTV कैमरे के उसमें आप घर आ जाइए, चेक कर लीजिए, बहुत सारे लोग भी बाहर थे, आप आस पड़ोस से भी पूछ सकते हैं। मेरी बात को अनसुना करके मुझे भगा दिया गया। और दूसरे दिन पेपर में मुझे पता चला कि उन्होंने उसी दिन उसी समय की मेरे खिलाफ़ झूठी कंप्लेन FIR कर दी है। मेरे साथ बाहर से लोगों को गुंडे भिजवा के मेरे साथ मारपीट की गई है, जिसकी मैंने रिकॉर्डिंग के साथ आज गंज थाने में मैंने शिकायत की। शिकायत में कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक मुझे बैठा के रखा गया वहाँ पर। और राठौड़ सर थे वहाँ पे पुलिस उस समय, उन्होंने मनमानी FIR की मेरे बिना साइन के, मेरी नाम से फर्जी FIR उन्होंने दर्ज की। अब मैं पुलिस एक पुलिस ना हो के एक वर्दी वाले गुंडे का रोल प्ले कर रहे हैं, एक नेता के भाई के संरक्षण में उन्होंने इस तरह से किया हुआ कि मुझे लगता है कि मैं किसके पास मदद लेने के जाऊँ। लग रहा है पुलिस इसलिए वेट कर रही कि जब मेरे या मेरी बच्ची के साथ कोई बड़ा सा कांड होगा या कोई निर्भया जैसा कुछ होगा तब पुलिस की शायद आँखें खुलेगी। मेरे पास मैं DGP सर से, ये मेरे पास देखिए मैंने DGP सर से भी 2 बार पर्सनली मिल चुकी हूँ, SP सर, IG सर, कोई भी नहीं। DGP सर ने मुझे आश्वासन दिया लेकिन आज की डेट में आज तक कुछ भी नहीं हुआ। उनसे 2 बार मिलने के बाद भी मेरे खिलाफ़ झूठी FIR दर्ज कर दी। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता किन के पास जाऊं अपनी और अपने परिवार की रक्षा के लिए। था कि उसने मेरे भाई के साथ कुछ किया होगा कि मैं मुझे जैसे मैं होटल से बिलोंग करती हूं, काफ़ी क्रीम लोकेशन है हमारी, प्राइम प्रॉपर्टी है वो, तो उसको मेरी मम्मी और मुझे, हम मालिक हैं वहाँ पर, हम दोनों को डरा धमका कर बैठा देना चाहता है वो, ताकि हम अपने हक के लिए, हमारा जो कानूनी हक है उसको हम छोड़ दें और निकल जाएं यहाँ से डर कर। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन बहुत जल्द ही हम ढेबर और छत्तीसगढ़ के अन्य रेत माफियाओं के काले कारनामों से जल्द ही आपको अवगत कराएंगे। लेकिन तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, और इसी प्रकार के लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखना ना भूलें IDP24 न्यूज। और हाँ, YouTube में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।